भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां मंगलवार 10 नवंबर को जिला मुख्यालय सरपताहा पहुंचे हिंदू एकता संगठन के जिला महामंत्री व अन्य पदाधिकारियों के साथ अन्य युवाओं ने उठाई लव जिहाद के खिलाफ आवाज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लोकेश वर्मा ने कहा कि आए दिन नाबालिग लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए यह चिंता का विषय है। कुछ युवक नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करते हैं तथा जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। इस संबंध में सरकार को गहनता से विचार करते हुए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे ऐसे गंभीर मामलों पर लगाम लगाई जा सके। यदि इस संबंध में सरकार द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हमारा संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उक्त अवसर पर जिलाध्यक्ष आशीष वर्मा, जिला मंत्री कृष्ण मुरारी चौहान, विधानसभा अध्यक्ष नीरज दुबे, नगर अध्यक्ष अवधेश दुबे, प्रमोद कौशल, सूरज पांडे, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पूजा सेठ, सूरज मिश्रा, सचिन दुबे, गुड़िया देवी, ममता पांडे, रंजीत सरोज आदि पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश वर्मा, जिला महामंत्री हिंदू एकता संगठन से। ये जो लव जिहाद मामला है बेरोबेर सबसे ज़्यादा हो रहा है। मैं राज्यपाल और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, हम अपील करते हैं कि लव जिहाद को लेकर जल्द से जल्द कानून लाने की मांग करते हैं और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा हो रहा है ये हिंदू बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो हम आंदोलन करने की मांग करेंगे और जनपद और प्रदेश में। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।